राइट गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस कमाल के धमाल के एक और नए डेट्रेस गेमिंग के कमाल के वीडियो पे। तो गाइज आज की वीडियो पे हम लोग जो करने वाले ना लाइक यहाँ पे सारी की सारी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियों को मैंने ला दिया। जैसे कि देख सकते हो लैम्बोर्गिनी टेसो फुल्ली गोल्डन एडिशन भाई, पूरा सोने से बनी हुई एंड लैम्बोर्गिनी है यहाँ पे बहुत सारी भाई। बुगाटी वॉलिडे है ये वाली गाड़ी, वो है ना गाइज जो दुनिया में यार बहुत गिन चुन के 100 लोगों के पास भी नहीं होगी, ये वो वाली बुगाटी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मस्टैंग मॉडिफिकेशन गाइस, कितना पैसा लगा होगा आप खुद सोच सकते हो ये वाली मस्टैंग को मॉडिफाई करवाने के लिए। सामने आमने पूरा पीछे देखो भाई, ब्रिम ब्रिम सब लगा के रखा है मैंने, ठीक है। तो गाइस ये गाड़ी पूरी मॉडिफाइड है, ऑडी R8 है एंड टोयोटा सुप्रा, ये आप देख सकते हो एंटिक पीस, बहुत पुरानी मॉडल, इसको भी पूरा फुल्ली मॉडिफाइड पेंट वगैरह करवाया गया है। एंड ये है एक यार पगानी है क्या, ये शायद यार पगानी है, बहुत महंगी आती है। एंड यहाँ पे एक ला फरारी है ब्लैक कलर में, मैं नहीं पता मैंने इसे ब्लैक में क्यों रखा है, लेकिन इसमें भी कुछ खास बात होगी तभी मैंने रखा है। एंड यहाँ पे एक पोर्शा 911 RR गोल्डन एडिशन भाई, ओनली लिमिटेड स्टॉक है दुनिया में, ऐसी खाली 100 ही गाड़ियां बनाई गई है, उनमें से एक यहाँ खड़ी है, ठीक है। एंड एक है रोल्स रॉयस फैंटम गाइस, यार ये अकेली दुनिया में है जो मेरे पास है, ठीक है। पूरा का पूरा इसका ऊपर का एरिया सिल्वर का बना हुआ है, एंड जो आप बगल में जो ये लाल और गोल्डन टाइप का देख रहे हो ना, ये भाई सोना और लाल रंग का कोई पेंट आता है शायद, उसे मिला करके बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है लोगो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वो है अपने पास गाइज, ये एक नहीं पता है गाड़ी को क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एंटिक गाड़ी है, लाइक बहुत पुरानी, तो भाई ये पूरी गोल्डन रैप है। एंड यहाँ पे ऑडी A4 है अपने पास गाइज, जिसके एलॉय व्हील देखो यार पूरे के पूरे सोने के बने हुए हैं, ठीक है। तो गाइज यार आज की रेस होने वाली है इन सभी गाड़ियों के बीच, एंड जो गाड़ी जीतेगी उसे दिया जाएगा ढेर सारा इनाम। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो गाइज इन सब पैसों को दे दिया जाएगा जो गाड़ी जीतेगी। एंड यार टोटल हम लोग 5-6 रेस करेंगे, GLDA5 की है, वन ऑफ दी क्रेजी रेस होने वाली है, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, लेट्स गो। ऑलराइट गाइज पहली रेस में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं सुप्रा को। ओके तो गाइज क्या लगता है हम लोग सुप्रा से ये पहली रेस जीत पाएंगे? ओके मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ ताकि गाइज यार थोड़ा इन बच्चों पे रहम कर सकूं। वैसे ये भी हो सकता है कि मैं हार जाऊं, क्योंकि गाइज ये सारी की सारी गाड़ियां टॉप टू बॉटम पूरी की पूरी मॉडिफाइड है। लेट्स गो भाई साहब, क्या भगा रहे हैं इन लोगों के, लेट्स गो। लेकिन मेरी सुप्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट है, एंड ये जो सुप्रा आप देख रहे हो ना गाइज ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कारों में से एक है। ओके शेट भाई साहब, नहीं नहीं सुप्रा का नया नया एक्सीडेंट करवा दिया भाई, मैं पीछे पूरा खाली हो गया, गाड़ी भाई कितनी बेकार लग रही है यार, मैं ऐसे गाड़ी नहीं चलाने वाला, मेरे को गाड़ी ठीक करना है। ओके रुक जाओ यार, ओके चलो गाइस सुप्रा का लोगो जिंदाबाद, लेट्स गो गाइस। सुप्रा ओपी इन द चैट, कौन कौन सुप्रा लवर है गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना गाइस, आपको सुप्रा पसंद है या नहीं। ओके लेट्स गो फुल स्पीड भाई, चमकती तो एक नंबर है। ओके यार बुगाटी हट जा। ओके भाई लोग क्या कर रहे हैं मेरे ऊपर से गाड़ी चला रहे हैं, बताओ यार। खैर गाइज अगर आपको कोई गाड़ी खरीदने का ऑप्शन मिले, लाइक दुनिया में अगर आप कोई भी गाड़ी आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है फ्री में, अगर मतलब यार आपको कोई इलॉन मस्क आके या ऐसा कोई भगवान आके बोले कि भाई तेको जो गाड़ी खरीदना है तू बोल, बस तू बोल, देखो जो गाड़ी का नाम आप लोगे वो गाड़ी आपके घर में आ जाएगी, तो आप कौन सी गाड़ी लोगे गाइज वो मुझे बताओ यार, कौन सी गाड़ी? ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं पूछ रहा मैं, महंगी से महंगी गाड़ी जैसे कि लैम्बोर्गिनी हो गई, बुगाटी हो गई, रोल्स रॉयस हो गई एंड सुप्रा होगी, भाई मैं तो सुप्रा मंगाऊंगा भाई। इसका लुक देख रहे हो भाई, गाड़ी क्या करती है, रटाटाटा करती है भाई, मजा आ जाता है यार। खैर मैं बच्चे वाली हरकत कर रहा हूँ गाइस, बट यार मजा आता है यार ये सब करने में भाई, क्योंकि आप ही लोग तो भाई लोग हो यार, आप लोग के सामने नहीं हंसूंगा तो किसके सामने हंसूंगा। वैसे मैं सबसे आखिरी में क्यों दिखा रहा हूँ, वैसे गाइस यार मैं सबसे सेकंड में हूँ भाई, मेरे आगे बस ये बुगाटी वेरॉन है भाई, इसको बस पार करना है फिर अपन फर्स्ट हो जाएंगे। ओके हो वो पार 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 भाई पार, ड्रिफ्ट मारे क्या यार, थोड़ा सा हल्का ड्रिफ्ट हो गया यार, सुप्रा में मेरे को ड्रिफ्ट मारने का आदत नहीं है, लेकिन खैर भागने का तो पूरा आदत है। लेट्स गो टॉप स्पीड पकड़ेंगे गाड़ी का यार, जैसे ज्यादा भाग नहीं रही गाड़ी। ओके वो भाई ये वाला ड्रिफ्ट था लेकिन बहुत लॉन्ग ड्रिफ्ट हो गया, गाड़ी सीधा हो जा, गए भाई हम लोग सबसे आगे चल रही है वो बुगाटी वेरॉन भाई, बहुत ज्यादा तेज है, अकेली गाड़ी भाई सबसे ज्यादा आगे चल रही है। ओके लेट्स गो, यहाँ से मुड़ना है।
ओके ओके नहीं यहाँ नहीं मुड़ना है, ओके यहाँ से मुड़ना है, ओके ओके ओ ड्रिफ्ट भाई गलत ड्रिफ्ट हो गया। खैर हम लोग पीछे रह गए तो वो निकल चुकी है, बुगाटी वेरॉन फर्स्ट आ चुकी है गाइस। यार एक छोटी सी गलती में पीछे हो गया भाई ड्रिफ्ट के चलते, सुप्रा मेरी यहाँ पे हार चुकी है। बट गाइस कोई बात नहीं यार, हार जीत तो लगी रहता है, ये वैसे भी पहली गाड़ी थी, सुप्रा तो अभी ट्रायल है भाई, अभी तो भाई कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ बची है गाइस। ये वीडियो का बजट लिटरली करोड़ों अरबों खरबों में है भाई, इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ यार मजा आने वाला है गाइस। यहाँ पे फर्स्ट आई है बुगाटी वेरॉन, सेकंड आई है हमारी सुप्रा, एंड थर्ड आई है मस्टैंग, फोर्थ आई है लैम्बोर्गिनी, फिफ्थ आई है ऑडी R8, एंड उसके बाद जो भी गाड़ी है गाइस। खैर चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार रोल्स फैंटम की, ठीक है सारी गाड़ियां रेडी है, हम लोग फिर से दोबारा से वहां पेट्रोल पंप तक रेस लगाने वाले हैं, लेट्स गो भाई। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा भारी है। एंड मैं आपको इस गाड़ी की खास बात बताऊं गाइस, इंटीरियर देखो भाई, इंटीरियर में जितना करोड़ों का खर्चा हुआ है ना भाई, उतना गाड़ी उतना यार यहाँ पे मैं भाई 50 तक वो खरीद लूँ, क्या कहते हैं हमारी ये फॉर्च्यूनर खरीद लूँ भाई, सोच सकते हो 50 फॉर्च्यूनर भाई, इतनी महंगी आती है रोल्स रॉयस। एंड देख सकते हो इसका साइज वगैरह भी कितना बड़ा है भाई, पूरा एक तरफ का रोड लेन घेर लेती है भाई। मैंने रियल लाइफ में एक बार रोल्स रॉयस देखा है गाइस, मैं आपको बताऊंगा आप यकीन भी नहीं करोगे। आप बादशाह को तो जानते होगे गाइस, बादशाह एक सिंगर है, एंड उसे मैंने देखा है अपने शहर में अपने रोल्स रॉयस में, ठीक है घूमते हुए भाई, कसम से आप में से बहुत लोग यकीन नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, मैंने बादशाह को देखा है। एंड यार मैं बंदे को नहीं देखा हूँ, लेकिन उसे उसकी गाड़ी में बैठे हुए जरूर देखा हूँ, ठीक है। तो गाइस यार आपने कभी जिंदगी में रोल्स रॉयस देखा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना भाई साहब। इतनी महंगी गाड़ी को मैं ऐसा कबाड़ की तरह चला रहा हूँ, बट खैर भगाते हैं भाई। मेरे आगे यहाँ पे है ऑडी R8 है, क्या A4, ऑडी A4 है शायद यार, गोल्डन एडिशन। ओके यार मैं तो भाई गोल्डन चक्के लगवाए थे भाई, पूरी गाड़ी सोने की काई लग रही है, ठुक गई भाई। ओके बहुत गंदा डैमेज गाड़ी का, बहुत ही ज़्यादा मैं गाड़ी को ठीक कर रहा हूँ भाई, इतना गंदा डैमेज मैं नहीं चलाने वाला, ठीक हुई ना, एक बार देख लेता हूँ। ओके गाड़ी चकाचक है, चकाचक है, लेट्स गो भाई, क्या लग रही है भाई रोल्स रॉयस। खैर चलो भगाते हैं गाइज, हम लोग पीछे हो चुके हैं 12th पोजीशन पे। एंड गाइज यार आपको रोल्स रॉयस पसंद है कि नहीं वो मुझे बताओ, एंड इन जनरल मेरे को पूछोगे ना, अगर आपको अगर मतलब यार मेरे को कोई फ्री में भी रोल्स रॉयस देगा तब मैं ले लूँगा, बट अगर मुझे रोल्स रॉयस और कोई और गाड़ी के बीच में ऑप्शन मिले ना तो मैं रोल्स रॉयस को नहीं लूँगा। बट रोल्स रॉयस की एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई, कंट्रोल एक नंबर है, ठीक है फिलहाल मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा डिटेल पे जाओगे ना गाइज आपको दिखेगा रोल्स रॉयस भाई बहुत तगड़ा कंट्रोल सिस्टम देती है। ये देखो ड्रिफ्ट वगैरह ना बहुत अच्छा होता है भाई। ओके ओके थोड़ा कंट्रोल में मेरे को दिक्कत है, गया नदी में भाई, रोल्स रॉयस डूब गई गाइज, निकालना पड़ेगा, निकल जा, चालू है रोल्स रॉयस, निकल जाएगी भाई, देख रहे हो गाड़ी चालू है, गाड़ी बंद नहीं हुई। अगर अभी इसकी जगह कोई स्पोर्ट्स कार होती, बुगाटी होती, लैम्बोर्गिनी होती तो डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ भाई गाड़ी बंद हो जाती यार। बट इवन मैं यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे हो चुका हूँ, मेरे को भगाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ओके लेट्स गो भाई, सामने का रास्ता क्लियर मेरे को दिखता नहीं है यार अच्छे से, टूट गई भाई यार। रोल्स रॉयस को चलाना थोड़ा मुश्किल है, इसका हैंडल गाइस यार एकदम परफेक्ट नहीं लग रहा है मुझे, एकदम मतलब थोड़ा कस्टमाइज है, मेरे को फ्री वाला हैंडल थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है इसका बहुत टाइट सा हैंडल है। तो गाइज मैं यहाँ पे बहुत तगड़े से पीछे हो गया हूँ। ओके बट गाड़ी उतना भाग भी नहीं रही है भाई, 230 में जा रही है। ओके 250, ऑलराइट गाइज यहाँ पे पहली गाड़ी अपने को मिल चुकी है, वो है जोंडार भाई, वो पकानी है, एंड दूसरी है बुगाटी शिरोन। एंड ब्लास्ट कहाँ पे हो गया भाई, पेट्रोल पंप फट गया क्या, ठोक दिए क्या भाई पेट्रोल पंप पे। ओके गाइस पेट्रोल पंप ठोके होंगे पक्का बता रहा हूँ मैं लोगों को, देखो एक पेट्रोल पंप फूट गया भाई, लैम्बोर्गिनी टैर्जो फट चुकी है, एंड बाकी गाड़ियाँ ठीक है। ओके भाई आराम से भाई पंप है यहाँ पे। खैर गाइस यार हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए ये वाले चैलेंज में, लेकिन गाइस अब मैं चलाने वाला हूँ बुगाटी गोल्डन एडिशन भाई पूरे रफ्तार के साथ। ऑलराइट गाइस यहाँ पे अब मैं यार आ चुका हूँ बुगाटी शिरोन के साथ भाई, गाड़ी क्या चमक रही है वो देखो यार, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है, सबसे ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है इन सबसे ज़्यादा तेज हमारी बुगाटी है, ठीक है। एंड मैं एक और चीज बता दूं यार, आज यहाँ पे मतलब ये वाले ट्रैक पे अभी यार पानी गिर चुका है भाई, अभी हैवी रेनफॉल हुई है, तो गाइस यार कीचड़ बहुत ज्यादा उठने वाला है, लेकिन यही कीचड़ का हम लोग यहाँ पे गंदे से फायदा उठाने वाले हैं। लेट्स गो भाई भगाते हैं, सबसे आगे देख रहे हो यार वो गई है पोर्शे 911 एंड टोयोटा सुप्रा भाई, दोनों भगा रहे हैं, देख रहे हो क्या भगा रहे हो। ओके भाई उन लोगों को कीचड़ का फर्क नहीं लग रहा क्या। ओके लेट्स गो भाई, मेरी बुगाटी थोड़ी स्लिप लग रही है मुझे। ओके लेकिन यार मेरे को इसको हराना पड़ेगा, सामने भाई बहुत तेज भगा रहा है बंदा, क्या भाई पोर्शे भाई सुप्रा टक्कर मार रही है यार, यहाँ पे दुनिया की टॉप 3 कार की टक्कर, एंड मैं टकरा गया। शेट भाई सीधा हो जा बुगाटी, गेट टूट चुका है, गेट से घंटा कुछ नहीं होने वाला गाड़ी को, लेकिन यार यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ओवरटेक कर चुकी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि हम लोग पास बुगाटी
शिरोन है। ओके लेट्स गो गाइस। यार बुगाटी शिरोन की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे वो बताओ यार, क्योंकि मेरे को ना बुगाटी का स्पीड एंड लुक तो भाई बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है गाड़ी का, लेकिन स्पीड भाई काफ़ी तगड़ा है। लेकिन सबसे आगे अभी दो गाड़ी चल रही है भाई, ना बुगाटी ना ही लैम्बोर्गिनी, नहीं लैम्बोर्गिनी है सबसे आगे यार, एवेंटाडोर चल रही है। ओके मेरे को लगा था यार पोर्शे चल रही है। ओके लेट्स गो, मेरे को दिख भी नहीं रही भाई बुगाटी, हम लोग पीछे चल रहे हैं बताओ। ओके वो देख सकते हो भाई, ये देखो ये है पोर्शे भाई, देख रहे हो 911 RR फुल्ली मॉडिफाइड भाई, एंड यहाँ पे सबसे आगे लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर गोल्डन एडिशन भाई। इस बार बंदा भगा रहा है। ओके मेरी गाड़ी स्लिप कर जाएगी बोल के मैं स्लो कर रहा हूँ। यार मेरी गाड़ी सबसे ज़्यादा तेज़ है, मतलब स्पीड के मामले में सबसे ज़्यादा तेज़ पकड़ेगी भाई, आराम से 500 पकड़ेगी। लेकिन गाइस मैं भगा नहीं रहा हूँ क्योंकि कीचड़ है पूरा का पूरा, देख सकते हो पूरा रास्ता भर यार पानी गिरा हुआ है, एंड अगर मैं ज़्यादा स्पीड में जाऊँ तो ऐसा टक्कर वक्कर हो सकता है भाई। लैम्बोर्गिनी क्या चला रहा है, लैम्बोर्गिनी का यही सबसे अच्छी बात है यार, गाड़ी कंट्रोल हो जाती है स्पीड में। ओके एंड देख रहे हो बंदा क्या स्पीड में मोड़ रहा है भाई, वो 300 के स्पीड में मोड़ के चला रहा है भाई, इतने स्पीड में भाई मेरी जान निकल जाएगी। ओके कहाँ गया, अच्छा यहाँ से मुड़ना है क्या, लेट्स गो भाई। अब यहाँ पे बराबर का टक्कर होने वाला है भाई, भगाना पड़ेगा बुगाटी भाग, वो आगे निकल रहा है। ओके शिट गए हम लोग, हाँ भाई बहुत तेज भगा रहा है बंदा यार, डैम भाई ड्राइवर है ब्रो, मेरे को ड्राइवर का हाथ मिलाना पड़ेगा भाई, हैवी ड्राइवर है कसम से, क्या चला है बंदा भाई, कहाँ गया ड्राइवर, कौन था भाई यार 300 के स्पीड में गाड़ी मोड़ रहा है, वो भी कीचड़ में, सोच रहे हो गाइस कीचड़ में भाई गाड़ी फेंका जाती है यार भाई, कसम से भाई क्या गाड़ी चलाया बंदा यार, मेरे को भी एवेंटाडोर ये वाला ट्राई करना है भाई, क्या ही लग रहा है। वैसे ड्राइवर लगता है चाय वाय पीने गया है यार। ये वाली है सुपरा, देखो मतलब सुपरा बोल रहा हूँ यार, ये पोर्शे 911 भाई आराम से, ये गाड़ी ने भी एक नंबर ड्राइव किया, ये सबसे आगे थी पहले बट पीछे रह गई, बट कोई बात नहीं गाइस। अब चलते हैं अगली रेस में, हम लोग ट्राई करने वाले हैं पोर्शे 911 RR को, अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं भाई उसमें कितना दम है। ठीक है लेट्स गो भाई, लोग ऊपर चढ़ाएंगे यार। ऑलराइट गाइस यार, टॉप कार पोर्शे 911 RR यहां पे अपने पास आ चुके हैं, बट हम लोग लाल वाली गाड़ी को ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, एंड मेरे बगल में रॉल्स रॉयल्स है, इस बार उसमें ब्लू एमरल्ड कलर है भाई, ये नॉर्मल ब्लू लग रही है लेकिन ये नॉर्मल ब्लू नहीं है, ये पूरा डायमंड वाला ब्लू है। ओके लेट्स गो, मैं पीछे आ जाता हूँ एंड देखते हैं भाई ये पोर्शे 911 में कितनी पावर है। लेट्स गो, एज यूजुअल भाई सबसे आगे अभी लीड लेके चल रही है सुपरा, एंड यार सुपरा को पार करता है, नहीं मस्टैंग आ गया, मस्टैंग भी भाई काफी तगड़ा मॉडिफाइड है, अगर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में मॉडिफाइड देखा होगा ना मस्टैंग को भाई, सामने मैंने वो लगा रखा है यार, निकला हुआ इंजन भाई, उससे जो नाइट्रो मिलता है ना गाड़ी को सोच नहीं सकते भाई, मैं इसके बाद वो ट्राई करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है ओके लेट्स गो भाई, मैं गलत टकरा गया, शिट भाई काफी गंदा टक्कर, कोई बात नहीं भगाते हैं, होगा जीतेंगे गाइस, डोंट वरी, अपने पास अंधाधुन वाला गाड़ी है भाई, ये भागता है यार। आपको यार पोर्शे 911 RR के बारे में पता था कि नहीं भाई, टेक्नो गेमर ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, टेक्नो गेमर नहीं यार उसकी एक नया चैनल है, टेक्नो करके एक चैनल है, उसने ये वीडियो डाला था लाइक ये सुपरा कार के ऊपर, लाइक उसने मतलब सुपरा बोल रहा हूँ ये इसके ऊपर, ये हमारी पोर्शे के ऊपर। ठीक है लाइक वो चलाने गया था कोई दूसरे देश वगैरह शायद, ठीक है तो यार उसने वो वीडियो डाली थी, तो मैंने सोचा पोर्शे के ऊपर भी क्यों ना वीडियो बनाया जाए, एंड यार पोर्शे को भी अपनी गेम में लाया जाए। ओके वैसे पोर्शे को मैंने उसी के बाद से देखा कि भाई वन ऑफ द फास्टेस्ट गाड़ियों में से एक है भाई, एंड सामने आप देख सकते हो 5 गाड़ियाँ जा रही है, दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कार यार वो देख सकते हो, बुगाटी बोलिड, एंड यार सुपरा का वो गिर रहा है भाई, गिर गई लगता है सुपरा यार आगे, लेकिन गाइस भगाना तो पड़ेगा। ये देखो सुपरा भाई, सुपरा को ढकेल दे रहा है यार, पुरानी गाड़ी है ना गाइस, सुपरा का नया मॉडल मैं नहीं रखा हूँ, पुराना मॉडल रखा हूँ, पुराना मॉडल ज़्यादा तेज था भाई, अब तो वो इलीगल हो गया है। खैर ओके आराम से भाई, सबसे आगे बुगाटी चल रही है बॉलीडे। ओके लेट्स गो भगाते हैं यार, हर बार हर रेस में अलग अलग गाड़ी आगे है भाई, कोई रेस में सेम गाड़ी भाग नहीं रही है यार, मतलब यार सबसे पहले वाले रेस में बुगाटी थी, उसके बाद यार क्या एवेंटाडोर है, एंड अभी देख रहे हो भाई वो चल रही है, फिर से बुगाटी चल रही है, लेकिन बुगाटी बॉलिड है भाई, ये वाली गाड़ी गाइस जो आगे है मेरे, ये देख सकते हो भाई एक तरफा गाड़ी है भाई, ये एक तरफा कसम से भाई, इसका जैसा लुक है ना ब्रो, इसके जैसा लुक वाली गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी, एंड ये गाड़ी को मैंने एक दो वीडियोस में देखा है यूट्यूब के, जो भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, जिन लोग घर के अंदर भाई इनडोर पार्किंग करते हैं, इनडोर ठीक है मतलब घर के हॉल के अंदर ऐसा, वो बंदा ओके मैं निकल गया भाई, ठुक गया यार, लेट्स गो मैं आ गया हूँ, एंड तुम्हारा भाई यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है भाई, पंप में ना ठुक दूँ। ओके गाइस यार पोर्शे 911 RR फर्स्ट है, सेकंड आई है बुगाटी बॉलिडे भाई, देख रहे हो क्या गाड़ी है गाइस, एंड उसके बाद वो देख सकते हो बुगाटी शिरोन भाई, ये भी एक नंबर है, उसको भी ट्राई करेंगे वाली बुगाटी को, लैम्बोर्गिनीज भी आ चुकी है, एंड सारी की सारी गाड़ी आ चुकी है, पेट्रोल डलवाते हैं एंड चलते हैं अगली ड्राइव रेस में, बट फिलहाल अभी तक बहुत सारी गाड़ी नहीं आई यार, अभी 5 गाड़ियाँ आई है टोटल, हम लोग को मिला के 6, एंड यहाँ पे ऑडी RR भी आ चुकी है भाई, स्पाइडर एडिशन 2022। ओके पेट्रोल पंप फट जाएगा भाई आराम से। ओके गया
गया पंप फूटा नहीं 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 फूटा भाई किस्मत है। चलो खैर गाइस यार अब मस्टैंग ट्राई करते हैं। ऑलराइट गाइस यार मस्टैंग के साथ आ चुके हैं। मस्टैंग का एक बार लुक देखो भाई क्या ही तगड़ी गाड़ी है यार डैम। अगर आप एक बार यार मस्टैंग देखोगे ना आप फैन हो जाओगे। देखो सामने में वो निकला हुआ इंजन वगैरह उसको हॉर्न के लिए यूज करते हैं या नहीं पता क्या के लिए यूज करते हैं लेकिन भाई वहां से बूस्टर टाइप का निकलता है काफी जहर लगता है देखने में। ठीक है गाड़ी पूरी मॉडिफाइड है स्पॉइलर वगैरह देख सकते हो ऊपर देख सकते हो वूफर लगे हुए हैं बड़े बड़े एंड गाइस यार सामने बैनर वगैरह लगा हुआ है। खैर मतलब क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं भाई मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है बट खैर हम लोग पीछे आते हैं एंड अभी देखते जाओ तुम्हारा भाई ये मस्टैंग से कैसे रेस जीतता है। ओके लेट्स गो आराम से भाई ये इसको पीछे कर दे रहे यार इसको भी ट्राई करेंगे भाई ये ओल्ड टाउन गाड़ी को जो उसको वैलेट बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई वो गाड़ी का नाम क्या है गाइस कमेंट सेक्शन में बताना। तो वैसे गाइस मस्टैंग बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है फील हो रहा है भाई बहुत कम फ्रिक्शन लग रहा है। अगर आप भी देखोगे ना गाड़ी ना स्पीड पकड़ रही है बहुत जल्दी लेकिन स्लिप हो रही है भाई बहुत तगड़ा स्लिप हो रही है पानी की वजह से और गंदा स्लिप हो रही है। ओके लेकिन स्पीड तो पकड़ ही रही है। ओके लेट्स गो भाई अपन तीसरे पोजीशन पे है लेकिन वो बगल वाला मीटर नहीं पता कैसे हिल गया है भाई लैम्बोर्गिनी ठुक गई मेरे से कोई बात नहीं। ओके आराम से भाई मैं गलत जा रहा हूँ ठीक है लेट्स गो गाइस। आपको मस्टैंग पसंद है कि नहीं गाइस एंड इवन यार बहुत सारे इंडिया में ऐसे यूट्यूबर है जिनके पास मस्टैंग है यार आपके कौन से फेवरेट यूट्यूबर है जिनके पास मस्टैंग है कमेंट सेक्शन में बताना भाई ये चीटिंग है यार ऑडी टक्कर मार रही है भाई अभी टक्कर मार के गई है मुझे। ओके तो गाइस यार मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से आपके फेवरेट यूट्यूबर के बाद मस्टैंग है। ठीक है जैसे कि बहुत यूट्यूबर है यार स्काउट है मृदुल मधोक है एंड एएस गेमिंग है लोकेश गेमर है मावी है मतलब बहुत सारे इंडियन गेमर्स है यार इवन भाई ये ब्लॉगर भी हैं देख सकते हो भाई अपने यूके राइडर हैं और मतलब बहुत सारे हैं यार। आपका कौन फेवरेट है गाइस कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना यार ज़रूर से भाई। ओके बट फिलहाल हमारी मस्टैंग यार स्पीड तो भाई बम पकड़ती है मस्टैंग ठीक है बट यार पोर्शा 911 से नहीं हरा सकती भाई पोर्शा अलग ही लेवल का स्पीड पकड़ती है। गए हम लोग थक गई भाई गाड़ी ये स्लिप हो रही है भाई मस्टैंग बहुत ज़्यादा मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ स्पीड है बहुत तगड़ा स्पीड है भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्पीड है मैं भाई ब्रेक मार मार के फूक फूक के चला रहा हूँ। यहाँ देखना स्पीड देखना ये सीधा है ना यहाँ पे रोड देखो सीधा जाएगी पांचवा गियर पे। ओके ये गाड़ी भाई आठवा गियर सपोर्ट करती है यार एट्थ गियर अभी तक मैंने GTA 5 में एट्थ गियर वाली गाड़ी नहीं देखी भाई ये पहली मस्टैंग है जिसे मैंने एट्थ गियर तक जाते हुए देखा है पता नहीं रियल लाइफ में जाती है कि नहीं लेकिन गेम में यार पहली गाड़ी मैंने देखा है एट्थ गियर पकड़ते हुए। ठीक है तो ये अकेली गाड़ी है भाई जो जाती है बट खैर हम लोगों को रेस जीतना होगा। ओके लेट्स गो भाई एवेंटाडो ठुक गई मौका अच्छा है लेट्स गो भाई वो पकड़ रहा है स्पीड भाई चेप रहा है पूरा स्पीड चेप रहा है देख रहे हो कितना जल्दी भाई लैम्बोर्गिनी का पिकअप कितना ज़्यादा तेज है ब्रो यार मैं लिटरली ओवरटेक कर देता लेकिन कुछ नहीं हो पाया हम लोग सेकंड आ गए गाइस यार एंड थर्ड कौन सी आई है भाई मेरे ख्याल से पोर्शे तो आई नहीं इस बार थर्ड आई है हाँ नहीं पोर्शे नहीं आई है भाई सेकंड ओके भाई जुबाती ने माउथ टू माउथ टक्कर दी है मेरी मस्टैंग को लेकिन ठीक है अपनी गाड़ी कौन सी गाड़ी अच्छा ये फरारी आई है गाइस सेकंड फरारी आई है थर्ड आई है लैम्बोर्गिनी एंड फोर्थ आई है बुगाटी वेरॉन फिर आई है पोर्शे 911 RR एंड उसके बाद गाड़ी आते गई है। खैर चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। ऑलराइट गाइस अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं बुगाटी बोलिडो को भाई क्या चमक रही है गाइस ये गाड़ी जितना चमक रही है ना परफॉर्मेंस भी वैसे ही आपको कुछ देने वाली है। ठीक है बस थोड़ा सा देर वेट करो एंड गाड़ी के जलवे देखो। ठीक है चलो जाओ 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 भागो तुम लोग कितना आगे जाओगे भाई ये गाड़ी की स्पीड यार मतलब एवरेज है ज़्यादा स्पीड नहीं देती भाई जैसे बाकी बुगाटी है उनकी तरह ये स्पीड नहीं देती देती है अगर ये नॉर्मल हाईवे में चलाएंगे बट गाइस ये गाड़ी का मेन फीचर है टर्निंग गाइस ये गाड़ी इतना प्यारा मुड़ती है ना भाई ये देखो कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रो स्पीड वगैरह में यार ये गाड़ी पलट ही नहीं सकती भाई कितना भी स्पीड में रहो ये गाड़ी मुड़ जाएगी भाई यही सबसे अच्छी बात है महंगी सी महंगी गाड़ियाँ पलट जाती है भाई स्पीड के मामले में लेकिन गाइस ये गाड़ी देखो क्या परफेक्ट टर्न लिया है मैंने भाई बिना किसी दिक्कत के साथ एंड मीटर नहीं दिखा रहा क्या बात है ये गाड़ी में मीटर नहीं लगा हुआ है क्या बट खैर बट स्पीड दे रही है भाई ये गाड़ी करोड़ों की है गाइस अगर मिलियनेयर भी हो ना आप तब भी ये गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं तो भी नहीं खरीद सकते जब तक आपके अकाउंट में हजारों लाखों करोड़ों रुपए जैसे कि अंबानी लोग होते हैं ना गाइस इतने ज़्यादा अमीर लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं लाइक शाहरुख खान सलमान खान वगैरह छोटे मोटे यूट्यूबर या कोई नॉर्मल बड़ा यूट्यूबर भी नहीं कर सकता भाई अगर आप मतलब यार यूट्यूबरों के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है भाई लैम्बोर्गिनी वगैरह तो कोई भी खरीद सकता है। ठीक है मतलब यूट्यूबरों की बात है लाइक जैसे कि यूके राइडर हो गया स्काउट हो गया एएस गेमिंग हो गया इन लोग टेक्नो गेमर लोग लैम्बोर्गिनी आराम से खरीद सकते हैं। ठीक है लेकिन ये जो बुगाटी है भाई ये इतनी ज़्यादा महंगी है ना सबका इनकम मिला दे तब भी जा करके ये गाड़ी नहीं आएगी भाई ऐसा वाला सीन है। ठीक है बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी होती है ये एंड
स्पीड तो भले दे रही है लेकिन स्पीडोमीटर वाला दिखा नहीं रहा, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ गाड़ी की स्पीड कितनी टोटल। वैसे टक्कर क्यों मार रहा है सुपरा? लेट्स गो गाइस, आगे तो आ ही चुके हैं हम लोग। वैसे भी देख रहे हो ड्रिफ्ट वगैरह भी भाई टोटल कंट्रोल है ब्रो। एंड ये इसके टायर भी बहुत चिकने रहते हैं बट फिर भी गाइस यार गाड़ी पूरा कंट्रोल लेती है अपने हाथों में। एंड यार पानी गिरना बंद हो गया भाई, यार कीचड़ वाला ट्रैक नहीं होगा। ये देखो ड्रिफ्ट भाई ऑटोमेटिक, गाड़ी पूरा कंट्रोल है। ये देखो भाई, ये यार स्लिप होने के बावजूद भी गाड़ी कंट्रोल हो जा रही है। ये देखो मैं पूरा रिवर्स टर्न ले चुका हूँ। एंड लेट्स गो भाई, हम लोग यहाँ पे ठुक गई भाई गाड़ी यार, सीधा पेट्रोल पंप के ऊपर घुस गया गाड़ी। बट खैर गाइस, गाड़ी का परफॉर्मेंस एक तरफा था, मैं फर्स्ट हूँ। सेकंड यहाँ पे टोयोटा सुपरा आ चुकी है। एंड थर्ड अभी तक तो कोई गाड़ी दूर दूर तक दिख नहीं रही है। एंड थर्ड यहाँ पे ओ बच गया भाई मैं, थर्ड यहाँ पे एवेंटर और आई है। एंड फोर्थ आई है यहाँ पे, नहीं थर्ड आई है हमारी ये भाई पगानी आई है, ठीक है थर्ड पगानी आई है, फोर्थ आई है एवेंटर और एंड फिफ्थ आई है यहाँ पे लैम्बोर्गिनी, ये वाली लैम्बोर्गिनी LSG। एंड फिर बुगाटी वेरॉन एंड बुगाटी शिरोन एंड पोर्शा एंड ऑडी, भाई मेरे ऊपर ही चढ़ जाओ सबको यार। बट खैर मजा बहुत आया भाई, गाड़ी का परफॉर्मेंस एक नंबर था। अब मैं ऑडी को ट्राई करने वाला हूँ, ऑडी काफी सुंदर लग रही थी यार अभी। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे आ चुके हैं ऑडी R8 स्पाइडर 2022 एडिशन के साथ, ठीक है गाइस। वन ऑफ द क्रेजी गाड़ी है ये। एंड यार ये मेरे पास ब्लू कलर की आई है जिसका छत्तर नहीं है ऊपर, यार छत नहीं है। लेकिन गाइस यार देखते हैं ये गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, ठीक है। इंटीरियर तो भाई काफी प्यारा है यार, लाइक सिंपल है, ज्यादा कुछ हैवी वाला फील नहीं है। बट गाइस स्पीड अभी मैटर करेगा, ये गाड़ी ज्यादा महंगी नहीं आती यार इंडिया में। आप लोग अगर दिल्ली मुंबई यार ऐसा जगह रहते हो यार हैवी बड़े बड़े शहरों में, तो आपको ये गाड़ी नॉर्मली दिख जाएगी आराम से, ठीक है। इवन मैंने भी अपने शहर में दो बार देखी है ये गाड़ी। एंड बोलूँ तो शहर में क्या, जिंदगी में दो बार देखी है अपने शहर में। बट गाइज यार आपने कौन कौन सी सुपर कार देखी है अपने खुद के शहर में, ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। क्योंकि यार मैंने ना BMW बहुत देखा है अपने शहर में, वो तो कॉमन हो गया भाई। जैसे यार ऑडी भी बहुत कॉमन है लेकिन ये R8 थोड़ी स्पोर्ट्स एडिशन है बोल के थोड़ी रेयर टाइप की हो जाती है। बट गाइज आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी है रियल लाइफ में सुपर कार में, ठीक है। बहुत लोग मस्टैंग भी देखे होंगे, लैम्बोर्गिनी भी देखे होंगे, तो आप में बताओ क्या क्या देखो। कोई बुगाटी देखा है क्या जिंदगी में आज तक यार? वैसे बुगाटी तो शायद ही कोई देखा होगा, लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयल्स क्या क्या देखे हो गाइस कमेंट सेक्शन में हर कोई बताओ यार। कौन कौन सी गाड़ी, इंडियन कार मत बताओ, फॉर्च्यूनर लेजेंडर ये सब तो भाई हर कोई 100,000 बार देख लिया होगा। लेकिन ऐसी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा रेयर है खाली आपके शहर में या इंडिया में, आपको लगता है वैसी गाड़ी खाली 100 या 200 या बहुत कम लोगों ने देखी होगी, ऐसी कोई गाड़ी का नाम बताओ, ठीक है। रोल्स रॉयल्स मैंने देखी है भाई, यार एक बार देखा है मैंने बादशाह को, एंड उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखी रोल्स रॉयल्स, ठीक है। तो वो एक मेरा मूवमेंट था, आपको ही ऐसा मूवमेंट भाई, ये सब चीज़ सबको याद रहता है यार। हम सब लोग कार लवर है यार, हम लोगों को कार पसंद है भाई, इसलिए हम लोगों को याद रहता है हम लोगों ने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी है, कब देखी है, क्या करते हुए देखी है, मतलब सब याद है यार, मुझे तो याद है भाई। बट यार आपको भी याद होगा। बट फिलहाल यार ये ऑडी अच्छा कंट्रोल अच्छा हो रही है भाई, बट भाग नहीं रही उतना तो भाग ही नहीं रही, ओके मिस बैलेंस उल्टा हो जा रही है भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है गाड़ी, लेकिन स्पीड पकड़ रही है। ओवर थ्रॉटल में भगा रहा हूँ यार, जितना गाड़ी का स्पीड नहीं है ना उससे ज़्यादा गाड़ी को स्पीड दे रहा हूँ मैं, ओके लेट्स गो यहाँ से मोड़ो। ओके भाई ठुक गई, बहुत गंदा ठुक गई भाई, नहीं जीतने वाले अब तो मुश्किल है भाई, फर्स्ट आना तो लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा है अब इसके साथ यार। ओके लेट्स गो, यहाँ से एक ड्रिफ्ट, ओ भाई सुपरा कैसे पीछे चल रही है भाई, सुपरा को तो आगे होना चाहिए यार। ओके यार ये गाड़ी ड्रिफ्ट भी अच्छे से नहीं मार पा रही भाई, ड्रिफ्ट एकदम प्रॉपर नहीं हुआ इतना स्पीड में भाई, ड्रिफ्ट मारने में अलग मज़ा आता है लेकिन इतने स्पीड पे भाई सब गाड़ियाँ ड्रिफ्ट सब पकड़ नहीं पाती भाई, बहुत कम गाड़ियाँ होती है, बहुत गाड़ियाँ ऐसे उल्टा घूम जाती है। ओके लेट्स गो भाई, मैं पीछे रह गया। ओके पहले आ चुकी है बुगाटी शिरोन एंड सेकेंड आई है बुगाटी बोलिडेस, थर्ड आई है एवेंटर और फोर्थ आई है टोयोटा सुपरा एंड फिफ्थ अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। ओके पहुँच जाएंगे इन लोग भी यार। ऑलराइट गाइस मैं भी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ठोकते ठाकते, लेकिन मेरी गाड़ी से धुआं निकल रहा है क्या? ऑलराइट गाइस मेरी गाड़ी से धुआं निकलना चालू हो गया, बट मज़ा आया भाई ये वाली रेस पे काफ़ी तगड़ा। एंड मेरे को एक बूम बाम करने का थोड़ा मन कर रहा है। ओके कर दे क्या गाइस, क्या बोलते हो? एक ठोक फटाका फोड़ना है बस एंड बूम, नहीं फूटा भाई। खैर चलो मजा बहुत आया गाइस, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। एंड इस बार मैं ट्राई करने वाला हूँ, अब गाइस यार बारी आ जाती है पगानी की। एंड यार ये गाड़ी का लुक देखो एक बार, ठीक है, क्या मतलब यार पूरा स्पोर्ट्स कार वाला लुक है, बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी है भाई। एंड मैं बता दूं ये गाड़ी सबके पास भी नहीं होती भाई, इसे अफोर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बट गाइस ये गाड़ी यार
स्पीड अच्छा देती है। ओके स्पीड ही अच्छा है भाई गाड़ी, बाकी यार मेरे को गाड़ी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है यार। इसकी बहुत कम मॉडल निकली है एंड बहुत कम फेमस है भाई, फेमस भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बहुत कम लोग जानते होंगे, जिन लोग एकदम डेप्थ में सुपर कार के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता होगा पगानी क्या चीज़ है भाई। ओके लेट्स गो, हम लोग यार सेकंड पोजीशन में। इस बार टोयोटा सुप्रा लीड कर रही है, सुप्रा को पीछे छोड़ना है भाई। ड्रिफ्ट, ओके लेकिन यार ड्रिफ्ट थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल था, लेकिन गाइस यार भगाते हैं, लेट्स गो, पकड़ेंगे। एंड गाइस यार एक और चीज़ मुझे आपसे पूछना था कि यार आपको ना क्या लगता है इंडिया में ना स्पोर्ट्स कार, जैसे कि फॉरेन में तो बुगाटी वगैरह बहुत कॉमन है, मेरे शहर में तो भाई ऐसा रोड है ना कि यहाँ पे ना लैम्बोर्गिनिया वगैरह तो चल ही नहीं सकती। आपके शहर में क्या लगता है यार, ऐसे रोड वगैरह है कि अगर मैं लैम्बोर्गिनी के साथ आऊँ तो आपके शहर में चला पाऊँगा, क्या लगता है यार? एंड ऐसा कब होगा भाई, जब ऐसा होगा ना तब मज़ा आएगा यार। एंड वैसे ये गाड़ी अच्छा स्पीड अच्छा दे रही है और कंट्रोल भी हो रही है, ब्रेक भी अच्छा है भाई। मैं 300 से 200 आया हूँ कुछ सेकंड्स के अंदर यार, ब्रेक एक नंबर है, ब्रेकिंग सिस्टम एक नंबर है। ज़्यादा तारीफ हो गया क्या, सीधा भी हो गई भाई, बम गाड़ी है यार। पगानी ओपी इन द चैट यार, कमेंट सेक्शन में गाइस एक बार लिख दो यार, पगानी अच्छा कंट्रोल में है भाई, भाग अच्छा रही है। ओके लेट्स गो भाई, फेंका ना जाए यहाँ से यार, गड्ढा है आगे। मैं अक्सर फेंका जाता हूँ गाइस यहाँ से यार, अगर स्पीड में ज़्यादा रहता हूँ ना तो फेंकाने के चांसेस बढ़ जाते हैं यार। ओके कीचड़ हो गई है क्या, गंदी हो गई है भाई गाड़ी, पूरी घिस गई है। ओके लेट्स गो, क्या हो गया, कांच तो टूट गया है सामने का। लेट्स गो, उन लोग भी आते ही हो, वो देख रहे हो आ रहे हैं भाई। कौन सी गाड़ी है, सुप्रा है क्या, सुप्रा दिख रही है और पीछे बुगाटी है भाई। लेट्स गो, भगाओ यार, उन लोग पकड़ ही लेंगे, जस्ट मेरे से बगल से निकलने वाली है भाई, पीछे ही है, भगाना पड़ेगा। टॉप स्पीड, टॉप गियर भाई, गाड़ी का गियर कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा दे रही है। ओके लेट्स गो, पकानी ओपी इन द चैट यार, पहुंच गए ऊपर। लेट्स गो भाई, पेट्रोल डलवाते हैं, नहीं बच गए भाई, ठुकी नहीं भाई, पंप में नहीं ठोकाया गाड़ी, बच गए यार, और अभी फटती गाड़ी। ओके ऑल राइट गाइस, हम लोग फर्स्ट हैं, सेकंड आई है सुप्रा, थर्ड आई है बुगाटी शिरोन एंड फोर्थ आई है यहाँ पे हमारी एवेंटर। और भाई इधर आना है, किधर जा रही है भाई, बट खैर गाइस गाड़ी काफ़ी अच्छा लंबा ट्रैक था। ओके अब यहाँ पे इन लोग भी आते जा रहे हैं, जाओ भाई किधर जा रहे हो, उधर जाओ, उधर सीधा, ओके जाओ। ओके ऑल राइट गाइस यार, ये वाला रेस भी एक नंबर था। एंड अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी टैर्जो को, ठीक है। बहुत देर हो गया भाई, टैर्जो को मुझे बहुत देर से ट्राई करना था, अभी तक मैं ट्राई नहीं कर पाया। चलो चलते हैं टैर्जो को ट्राई करने यार। अब बारी आ जाती है गाइस वन ऑफ द फास्टेस्ट कार ऑफ दिस वर्ल्ड, ये है लैम्बोर्गिनी एवेंटर और FVJ63। ऐसी गाइस यार खाली दुनिया में 100 ही गाड़ियां बनाई गई है, उनमें से एक आप मेरी वीडियो में देख रहे हो। एंड ये गाड़ी भाई इतना तेज है ना, अभी देखो रिवर्स में भाई, रिवर्स में देखो 100 पकड़ती है 3 सेकंड में, ठीक है। फॉरवर्ड में कितना होगा सोचो, ये गाड़ी एकदम, मतलब हम लोग ना क्या होता है ना ट्रैफिक वगैरह में अपना नॉर्मल स्पीड 20 का रहता है, 40 का रहता है, 60 का रहता है बहुत लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये गाड़ी का नॉर्मल स्पीड भाई 100 किलोमीटर पर आवर है यार मिनिमम, ठीक है। 100 के नीचे चलाओगे तो भाई गाड़ी बंद हो जाएगी भाई, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा एक पॉइंट पे गाड़ी बंद हो जाती है अगर गाड़ी ज़्यादा धीरे रहती है तो। ये गाड़ी का स्लो पॉइंट है भाई 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड कितना होगा सोच सकते हो। एंड हम लोग अभी भगा रहे हैं, लेट्स गो। ओके भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके बस एक ही दिक्कत है इस गाड़ी का, थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है यार, ये थोड़ी सी इंजन बहुत तगड़ा वाला लगा हुआ है। ओके टायर्स हो भाई, इसको ट्राई करेंगे इसके बाद, बट ये गाड़ी का सच में हाहाकार है भाई। ओके आराम से गई, सीधी हो गई भाई, लेकिन गाड़ी चमक काफ़ी प्यारी रही है यार। ओके लेट्स गो, भगाते हैं यार। एक सेकंड भाई, मैं पलक क्या झपकाया, इतनी सारी गाड़ी आगे निकल गई क्या। ओके पार करते हैं, लेट्स गो भाई, पार करना आसान है यार ये गाड़ी सबको भाई, लेट्स गो। वो बुगाटी हो क्या, बुगाटी क्या, लैम्बोर्गिनी फुल स्पीड, भगाओ 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 भाई, एक तरवा गाड़ी है भाई, स्पीड भी देख रहे हो क्या पकड़ रही है यार। ओके लेट्स गो भाई, 300 पकड़े एंड बस मुड़ जाए यहाँ पे यार, मैं आराम से चलाऊंगा, 300 के ऊपर नहीं जाने वाला भाई, 300 के ऊपर जाऊंगा तो भाई एक तो बहुत मोड़ वगैरह है, गाड़ी पलटने का डर है, तो 300 जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। 300 टच होगा तो मैं थोड़ा पीछे कर लूँगा गाड़ी को। ओके 300 टच हो रहा है, पीछे कर लेते हैं। ओके लेट्स गो, ड्रिफ्ट नहीं हुआ भाई यार, ये वाली गाड़ी को वो बंदा क्या चला रहा था। ओके ठुकी भाई, बहुत गंदा ठुकी, डैमेज बहुत गंदा डैमेज, लोगो वगैरह चटका क्या, नहीं लोगो ठीक है, चलो भगाओ यार, हम लोग सबसे आगे है भाई, हम लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता यार अभी तक तो फिलहाल। ओके लेट्स गो, थोड़ा आगे फिनिश पॉइंट है, फिर अपन यहाँ पे विनर बन जाएंगे। ड्रिफ्ट मारते हैं अंदर सीधा, शिट भाई बच गया यार। गाइस यार एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है लैम्बोर्गिनी की, वो है कंफर्टेबल यार, लाइक गाड़ी ना स्पीड पकड़ने के साथ साथ कंफर्टेबल भी है भाई, चलाने में ना मोड़ने वगैरह में उतना दिक्कत नहीं होता है। ओके तो गाइस हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं एंड सेकंड आई है यहाँ पे पगानी आई है भाई सेकंड, एंड उसके बाद
उसके बाद आई है बुगाटी शिरोन, एंड उसके बाद आई है यहाँ पे लैम्बोर्गिनी भाई, वो वाली लैम्बोर्गिनी, एंड अभी भी आई जा रही है गाड़ी यार। खैर गाइस मज़ा बहुत आया भाई यार, सीधी हो जा। ओके चलो, ओके भाई पलटा दो यार, मेरे को ही पलटा दो। खैर गाइस यार हम लोग चलते हैं अगली गाड़ियों को ट्राई करने, बट उससे पहले बूम बाम बिम बाम कर देते हैं, मज़ा आ रहा था यार बूम बाम बिम बाम करने में। ओके बूम, वैसे भी सब गाड़ियाँ गायब हो जाएगी जुम भाई, देख सकते हो जादू है यार, मैं मतलब थैनोस वाला पूरा वाइब ले रहा हूँ यार, चुटकी बजा के सारी गाड़ियां गायब यार। ऑलराइट गाइस आज की आखिरी रेस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी टेरसो के नाम, ठीक है ये गाड़ी तो गाइस इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो एक बार यार, इंडिया में अगर आ गई ना तो इसका एक ब्रेकर में गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है करोड़ों का नुकसान हो जाएगा भाई एक ही बार में, बम्पर वम्पर सब टूट जाएगा। ओके लेट्स गो, भगाते हैं यार। ये गाड़ी का फिजिक्स मेरे को अच्छा लगता है भाई, बहुत छोटी है, जो नाके होते हैं ना गाइस टोल टैक्स टोल नाका वगैरह होता होगा, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो मतलब लंबा लंबा ट्रिप अगर आप गए होगे कार वगैरह में तो देखोगे टोल नाका होता है जहाँ पे हम लोगों को थोड़े पैसे देने पड़ते हैं या फिर कट जाता है हम लोगों का उससे, यार क्या नाम है किसी से कट जाता है मेरे को पता नहीं है, तो यार वो चीज़ को ये गाड़ी ईजिली पार कर सकती है, टोल नाका को तो भाई आराम से पार कर देगी, नीचे से निकल जाएगी भाई, इतना स्पीड में रहेंगे ना एकदम साए से निकलेगी भाई, डर जाएंगे उन लोग यार क्या हो गया बोल के, ठीक है। तो गाइस यार फटाफट भगाते हैं, हम लोगों को आगे निकलना है, हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा फोर्थ पोजीशन पे हैं, वैसे गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है, ग्राउंड क्लियरेंस कम होने से ना गाइस ये थोड़ा सा दिक्कत होता है यार, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, जितना हम लोग यार जमीन से करीब रहेंगे ना जितना चिपके रहेंगे स्पीड उतना ज़्यादा मिलेगा गाड़ी को, एंड दूसरी बात गाइस गाड़ी यार मतलब कंट्रोल के थोड़ी बाहर होती जाती है, लेकिन सामने गाइस एवेंटाडोर भाई बंदा भगा रहा है, एवेंटाडोर वाला ड्राइवर भाई बहुत हैवी ड्राइवर है, ठीक है क्या चलाता है देख रहे हो 300 के स्पीड भाई, मैं 300 टच कर रहा हूँ एंड ये बंदा क्या मोड़ रहा है, मेरा अनबैलेंस हो जा रहा है भाई, ठीक है। एंड एवेंटाडोर को कंट्रोल करना भी थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है यार, लेकिन फिर भी वो बंदा चला रहा है, इस बार देखो आराम से चला रहा है। ओके यार उसको पता है भाई, उसको आइडिया है कि वो सामने वाले को पूरा आइडिया है कि वो कहाँ से मोड़ेगा कहाँ जाएगा गाड़ी, लेकिन खैर पहुँचते हैं पकड़ते हैं साले को। ओके क्या गया नीचे गिर गया, खैर चलो गाइस भगाते हैं। ओके लेट्स गो, एवेंटा डोर पीछे रह चुकी है, आगे निकलते हैं रेस जीतते हैं फुल स्पीड लेट्स गो। ओके थोड़ा सा आगे और जाना है, थोड़ा सा आगे और फुल स्पीड भाई 300 टच हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ओके 250 तो ऐसे ही पकड़ रहा है 250। ओके भाई ड्रिफ्ट हो गया, रिवर्स जाए क्या, नहीं रिवर्स जाना सेफ नहीं है भाई, जस्ट मेरे पीछे एवेंटेड और है। तो गाइस यहाँ पे रेस खत्म होने वाली है, उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, एंड एवेंटेड और आ चुकी है पार करता। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आपने हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो। ये तो रेस था भाई, इससे भी खतरनाक टग ऑफ वॉर, दो ट्रैक्टर मिलके एक गाड़ी को खींच रहे हैं, दो लैम्बोर्गिनी मिलके एक बुगाटी को खींच रही है, ऐसा भी मैंने चैलेंज किया है भाई, अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाओ, आपको ऐसे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे इनसे भी क्रेजी लाइक किस में ज़्यादा पावर है, बुगाटी या लैम्बोर्गिनी में या फिर जी वैगन या फिर रेंज रोवर, किस में ज़्यादा पावर है, ऐसे मैंने बहुत तगड़े वीडियो बनाए रेसेस के अलावा भी, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन सब्सक्राइब कर देना यार, तब तक के लिए बाय बाय टाटा लव यू ऑल गाइस, एंड प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके ही जाना यार, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप मेरी वीडियो आखिरी तक देख रहे हो मतलब आपको मज़ा आया तभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाय लव यू यार।